अगर आप सभी लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का जो पेपर फर्स्ट होता है, जिसे आप लोग प्रश्न पत्र पहले के नाम से जानते हैं या फिर आप लोग सामान्य अध्ययन के पेपर के नाम से जानते हैं, इस पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी और इसके आंसरों पर भी हम लोगों ने विस्तार से एक तरह से चर्चा की हुई थी। और आज की क्लास में हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो पहला पेपर होता है उस पर विस्तार से बात करेंगे। इनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे उन्हें भी देखेंगे और इनके आंसर भी हम लोग जानने की पूरी अच्छी तरह से कोशिश करेंगे। और याद रखिए, एमपीपीएससी से संबंधित कई क्लासें आपकी ली जा चुकी हैं अभी तक, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं उसका एमपीपीएससी का पैटर्न क्या होता है, इसका पाठ्यक्रम क्या होता है, इस पर विस्तार से बात की हुई है। सेट देखेंगे, बी सेट भी आप लोग देखेंगे, सी सेट भी देखते हैं, डी सेट भी देखते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन सभी चारों सेट में क्वेश्चंस आपके समान रहते हैं, बस क्या रहता है कि इनका क्रम बदल जाता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ए सेट में आपका पहले नंबर पर है, हो सकता है कि सी में वो आपका 8वें नंबर पर, 10वें नंबर पर, या बी में आप देखिए बी सेट में आपका 25वें नंबर पर पहुंच जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल समान रहेंगे। और आप सभी को मालूम होगा कि 2 घंटे का आपको समय मिल जाता है और इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और याद रखिए इसमें 200 नंबर के रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। आपके लिए कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं, इन्हें भी आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक पन्ना जिला है, एक किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए मैग्नीज, संगमरमर, अभ्रक या फिर हीरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ने की खान, आप लोगों ने हीरा की खान सुना भी होगा, तो याद रखिए इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंबल नदी सिंचाई परियोजना संबंधित है। क्या चंबल नदी सिंचाई परियोजना संबंधित है? सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से या ताप्ती बेसिन से? तो याद रखिए इसमें यमुना बेसिन से संबंधित है। और चंबल नदी के बारे में आप जानते होंगे, विंध्याचल पर्वतमाला मऊ से निकलती है मध्य प्रदेश के, और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1051 किलोमीटर की लंबाई है टोटल। और आगे चल के आप देखेंगे यमुना नदी में मिल जाती है, तो आप कह सकते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदी है और मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों से होकर जाती है। इस पर कुछ परियोजनाएं भी चलती हैं। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है कि गांधी सागर परियोजना किस पर नदी पर है, या राणा सागर, या जवाहर सागर, या कोटा बैराज, तो याद रखिए गांधी सागर हो या फिर राणा सागर हो, जवाहर सागर हो, कोटा बैराज हो, ये सभी आपकी चंबल नदी पर आपको देखने को मिलेंगे। एक जलप्रपात भी काफी क्वेश्चंस पूछ लेता है, चोलिया जलप्रपात ये किस नदी पर है, तो याद रखिए चंबल नदी पर है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है तीसरा, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। अब आप सोचिए किसी पेपर में आपका दूसरा क्वेश्चन चंबल नदी से आ गया, नर्मदा, चंबल, ताप्ती, माही, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए चंबल नदी पर है, अभी जस्ट पहले मैंने बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने चार, एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है चावल है, गेहूं, मक्का है, बाजरा है, बताइए इसमें क्या करोगे। इसमें याद रखिए आपका क्या है, गेहूं है, क्या है, गेहूं है। चार में आप लोग क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है पांच, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है, कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है, गन्ना, कपास, केला, बाजरा, तो आप सभी को मालूम होगा कि इसमें गन्ना आपकी व्यापारिक फसल है, कपास भी है, केला भी है, लेकिन बाजरा नहीं है। पांच में क्या लगाओगे, डी ऑप्शन, पांच में क्या लगाओगे, डी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने छठवा, निम्नलिखित राज्यों उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने,
पहले वो मुख्यमंत्री रहे हैं, आगे चल के वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो इसमें आप लोगों को बताना है। तो नरेंद्र मोदी की अगर हम लोग बात करें, या आप देखिए पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, मुरारजी देसाई की बात करें, एचडी देवगौड़ा की बात करें, चरण सिंह की बात करें, तो इसमें आप लोगों को आंसर बताना होगा। तो इसमें आप देखिए पीवी नरसिम्हा राव, बताइए कुछ इसके बारे में। इसमें याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुरारजी देसाई ये बंबई के थे, एचडी देवगौड़ा आप सभी जानते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, चरण सिंह के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि ये अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी साहब आप सभी जानते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, यानी कि आपका छठवे में आप लोग क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन। और याद रखिए इस क्वेश्चंस पेपर की जो पीडीएफ है इसे टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें डी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे, क्या लगाओगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने सात, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश। ए ऑप्शन सही है, सही एक एक सही है और दो गलत है, एक गलत है दो सही है, एक दो दोनों सही है, या फिर एक दो दोनों गलत है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, ना कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1 अक्टूबर 1937 में आपका एक सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था, लेकिन ये भारत का जो संघीय न्यायालय के रूप में से मान्यता मिली हुई थी। और 28 जनवरी 1950 की अगर बात करें हम लोग तो भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में ये आ चुका था, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और संविधान का भाग 5 पढ़ेंगे आप लोग तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रावधान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का, और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 आपका सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, साथ में क्या लगाओगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आठ, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो याद रखिए इसमें आपका डी ऑप्शन होगा, आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड शामिल नहीं है इस श्रेणी में, ठीक है। तो इसमें आपके ए बी सी शामिल है लेकिन डी शामिल नहीं है, लेकिन इसमें पूछा है नहीं है आता है, तो आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने नौ, वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा, सी कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, और डी कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो इसमें याद रखिए आप लोग नौ में क्या लगाओगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और रिजर्व बैंक के बारे में आप सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक की अगर हम लोग, हमारी केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। तो नौ में क्या लगाओगे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 10, क्या कह रहा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था, 26 जनवरी 2018, 23 जनवरी 2018, 26 फरवरी 2018 या 23 फरवरी 2018। तो 10 में क्या लगाओगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 23 फरवरी 2018 को 10 में क्या लगाओगे, डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग,
फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। आप सभी को मालूम होगा कि म्यांमार काफी चर्चा में भी रहा था, तो इसमें भी आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पारे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेना में, लुसाने में, जेनेवा में या मैड्रिड में? तो इसमें याद रखिए लुसाने में होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बारे में क्या लगाओगे? बी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 13। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। बताइए इसमें क्या रहेगा? तो याद रखिए कर्णम मल्लेश्वरी होगा इसमें। 13 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 14। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार या विश्वामित्र पुरस्कार? तो याद रखिए इसमें आपका विश्वामित्र पुरस्कार होगा। 14 में क्या लगाओगे? डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 15। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ स्थित है? भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या झाबुआ में? तो आप सभी को मालूम होगा कि जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 16। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। और दूसरा कह रहा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए स्टेट पीसीएस, खासकर आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस, आपका बिहार पीसीएस या सिविल सर्विस में यूपीएससी में आते थे, लेकिन आजकल आप देखिए कि एमपीपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। तो 16 में आप लोग क्या लगाओगे? 16 में आप याद रखिए कि दोनों आपके बिल्कुल सही हो गए, यानी कि 16 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नियंतक महालेखा परीक्षक को आप लोग कैग के नाम से भी जानते हैं, सीएजी, और इसमें आप देखेंगे कि अनुच्छेद 148 आप लोगों ने पढ़ा होगा, नियंतक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है, और आर्टिकल 149 भी आप लोगों ने पढ़ा होगा जो कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है इसके, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सी में 16 में क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 17। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया और राव इंद्रजीत सिंह? बताइए। तो अरविंद पनगड़िया थे। और आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग को किति स्थापित करके आपका नीति आयोग आया हुआ है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 18। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के प्रभारी प्रभारी और डी कह रहा है राज्यपाल। तो याद रखिए राज्यपाल शामिल नहीं है। 18 में क्या लगाओगे? डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने 19। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से विधित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन? तो याद रखिए 90 दिन के भीतर क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी, इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 20। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? ए कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, बी कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, सी कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिए इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जाती है। 20 में आप लोग ए ऑप्शन लगेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 21। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे?
भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? और इस समय आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। दोस्त मोहम्मद खां, नवाब नवाब हमीदुल्ला खां, नर मोहम्मद खां, यासीन मोहम्मद खां। तो याद रखिए इसमें आपका दोस्त मोहम्मद खां। 21 में क्या लगाओगे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है अगला 22। राजा बीर सिंह देव की राजधानी कहां थी? बांधवगढ़, गहोरा, नरों की गढ़ी, गढ़ा मंडला, बताइए। तो याद रखिए गहोरा होगा इसमें। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 22 में क्या लगाओगे? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने 23। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था या किसने कहा था? मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था या किसने कहा था? मलिक कपूर, शीतल देव, एनोल मुल्क मुल्तानी, अमीर खुसरो। तो इसमें तो आप सभी को मालूम होगा कि अमीर खुसरो ने कहा था। 23 में आप लोग डी ऑप्शन। क्वेश्चन हमारे सामने 24। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर एच डी संखलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर और डॉक्टर राजबली पांडे। तो याद रखिए इसमें डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर हो गए, ठीक है, यानी कि 24 में सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 25। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? गोंड, कोर को, भील, कोर। तो याद रखिए इसमें भील होगी। क्या होगी 25 में? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 26। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है। सूची एक में आप देखेंगे घास के मैदान हो गए, सूची दो में आपके देश महाद्वीप हो गए, जिनमें आपका ये घास के मैदान आपको देखने को मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विस में और खासकर यूपीपीसीएस में हर साल एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो 26 में स्टेपिज, ए आप देखेंगे रूस में, पेरिज, ए आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, बेल्ट्स, ए आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स, ए ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप देखेंगे 26 में सी होगा, 26 में सी, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 27। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में आपको अधिक देखने को मिलेगा। एक वन रिपोर्ट भी आप सभी जानते हैं 2 साल में आती रहती है, वो भी बताती रहती है। अगला क्वेश्चन है 28। निम्नांकित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। सही सम्मिलित नहीं है, 3 तो सही सम्मिलित होगी, 1 नहीं होगा, वही बताना है आपको। तो इसमें याद रखिए आपका सी ऑप्शन गलत होगा, यानी कि सही सम्मिलित नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। तो इसमें आपका सी रहेगा, 28 में सी। क्वेश्चन है हमारे सामने 29। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडारण किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार। तो आप सभी को मालूम होगा कि छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन 29 में सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 30। निम्नलिखित दो कथन आपके सामने दिए गए, एक को अभिकथन ए कहा गया, दूसरे को आर कहा गया। दिए गए कूट का सही से उत्तर आपको चुनना है। अभिकथन ये कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, और आर कह रहा है कारण सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। और कूट आपके सामने दिए गए ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसे आप लोग पढ़ेंगे तो सही आप लोग ए ही लगा देंगे, ए ही आपका बिल्कुल सही है। 30 में क्या लगाओगे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है 31। पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए, संगीत के लिए, नृत्य के लिए, लेखन के लिए। तो याद रखिए इसमें चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। 31 में आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 32। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? भोपाल में, सीहोर में, इंदौर में, विदिशा में। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए विदिशा में इनका जन्म हुआ था।
और आप सभी जानते हैं कि ये बच्चों की जिंदगी को सुधारने का काम करते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन भी आप लोगों ने सुना होगा, और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार शांति का मिला हुआ था, मलाला यूसुफजई के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 33। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना में, रीवा में, मंडला में, नीमच में? तो याद रखिए, ये आपका रीवा में स्थित है। आप सभी को मालूम होगा कि रीवा में स्थित है। ठीक है, 33 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 34। मिजोरम में स्थित फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, पीला पर्वत उद्यान, मिजो हिल्स उद्यान? तो याद रखिए, इसमें आपका नीला पर्वत उद्यान के नाम से आप लोग जानते हैं। 34 में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने 25, 35, माफ करिए 35। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह, या फिर असहयोग आंदोलन शताब्दी समारोह, या चोरी चोरा शताब्दी समारोह, या चंपारण सत्या शताब्दी समारोह? तो याद रखिए, इसमें चोरी चोरा शताब्दी समारोह होगा, यानी कि 35 में आप लोग क्या लगाओगे? सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 36। एक राय निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। दूसरा कह रहा है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। और तीसरा कह रहा है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित करते हुए स्वयं हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। इन तीनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। तो इसमें याद रखिए, पहला भी आपका बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है, यानी कि 36 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और आप सभी जानते हैं, अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करें तो संविधान का भाग 15 आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल 324 से लेकर 29 तक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपका चुनाव आयोग से संबंधित ही होता है। और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और आप सभी जानते होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी चुनाव का संचालन करता है। और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, उसके लिए हर राज्य में आप देखते होंगे कि उनका अपना राज्य चुनाव आयोग होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 37। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस अनुसूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन क्षेत्र से है? ये कह रहा है, सूची एक प्रविष्ट 72, सूची दो प्रविष्ट 27, सूची दो प्रविष्टि 37, सूची तीन प्रविष्टि 32। तो याद रखिए, इसमें जो अंतिम कुंजी उत्तर कुंजी आंसर की आई हुई थी फाइनल, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, इसमें आपका ए भी बिल्कुल सही माना गया और इसमें सी माना गया, यानी कि कहने का मतलब है कि जिसने भी ए ऑप्शन लगाएगा वो सी लगाया होगा, उनके दोनों लोगों के सही रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 38। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, और आपको बताया कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं, विधानसभा आपने देखा होगा, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, या आप देखते होंगे पंचायत में, समझ रहे हैं, पंचायत के या फिर आपके ब्लॉक जो जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इन सभी का चुनाव का संचालन करवाता है मध्य प्रदेश, जो उनका राज्य, हर राज्य में आप देखेंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, 1 फरवरी 1994, 1 मार्च 1994, 1 अप्रैल 1994, 1 मई 1994। तो इसमें आप लोग लगाएंगे क्या? 1 फरवरी 1994, यानी कि 38 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 39। दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है, यदि संबंधित राज्य संबंध में करार करते हैं। बी कह रहा है, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है, और सी कह रहा है, ए बी दोनों सही है, और डी कह रहा है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो याद रखिए, इसमें आपका सी ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे। 39 में क्या लगाओगे? सी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 40। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है?
किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? ए ऑप्शन कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 दो के अंतर्गत, बी कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 तीन के अंतर्गत, और सी कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 एक के अंतर्गत, और डी कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 116 चार के अंतर्गत। तो याद रखिए इसमें आप लोग 40 में क्या लगाओगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा जो 118 तीन है ना, इसके अंतर्गत की जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? जुगल दास, बालकिशन दास, टीकम नाथ दास, नंद राम दास। तो 41 में याद रखिए नंद राम दास था। 41 में आपका डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 42, सात सागर नौ नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? अमरकंटक में, चित्रकूट में, ओंकारेश्वर में, उज्जैन में। तो याद रखिए आप देखेंगे उज्जैन में होती है। 42 में आप लोग डी लगाएंगे, 42 में क्या लगाओगे, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 43, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? ग्रंथपाल ने, राजपाल ने, महीपाल ने, धनपाल ने। तो याद रखिए धनपाल थे, राजा भोज के धनपाल कवि थे जो जैन धर्म अपना लिया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 44, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, काक नाम, बेतवती, बेसनगरी, दसपुर। तो 44 में याद रखिएगा आप लोग काक नाम था इसका, ए ऑप्शन 44 में बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 45, टंडिया भील का वास्तविक नाम क्या था? टंटिया, गणपत, बिजनिया, टंडरा। तो याद रखना चाहिए ए ऑप्शन भी इसमें सही माना है एमपीपीएससी ने, और डी भी सही माना है, यानी कि अगर आप में से किसी ने डी भी लगाया तब भी आपका आंसर मिला होगा, इसका जो भी नंबर होंगे वो मिले होंगे, और ए जिसने लगाएगा उसे भी मिले होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 46, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं, यह प्रयास सार्वत्रिक होता है, यह तीन न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं, और तीसरा कह रहे हैं यह अंतिव्यापी और गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है, और चार कह रहा है इसमें से एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडोन होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक दो और चार, केवल एक तीन चार, केवल एक दो तीन, उपयुक्त में से सभी। 46 में क्या लगाओगे आप लोग, सभी चारों सही होंगे इसमें, एक कथन भी सही होगा, दूसरा भी, तीसरा भी और चार भी। तो 46 में आप लोग डी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 47, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में, हैदराबाद में, मुंबई में, लखनऊ में। तो याद रखिए आपको पुणे में देखने को मिलेगी, और 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, बताइए। तो याद रखिए इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, नॉर्वे। 48 में आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन हमारे सामने 49, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर बीज किस्म के फल का विकास होता है? आम्रपाली, दशहरी, रत्ना, बादामी। तो याद रखिए रत्ना का होगा इसमें, 49 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 50, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, बी कह रहा है आमजन को सुरक्षित शारीरिक संबंधों के लिए बढ़ावा देना, और सी कह रहा है विधवा महिला को पेंशन उपलब्ध करवाना, और डी कह रहा है गरीब लोगों को आश्रय उपलब्ध करवाना। तो याद रखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें, 50 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 51, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद
बूढ़ावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? 51 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद बूढ़ावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन, बी कह रहा है सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, और सी कह रहा है टी आर होम्स और एल ई आर रीच, और डी कह रहा है सर जॉन लॉरेंस और सीले। तो याद रखिए इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, डॉक्टर आर सी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन, यानी कि 51 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 52, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? डब्ल्यू एच रसल, रॉबर्ट फील, ग्लेडस्टन, पाम स्टन। तो इसमें आप देखेंगे कि 52 में क्या लगाओगे, डब्ल्यू एच रसल, यानी कि 52 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने 53, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? चार्ल्स मेटकॉफ, वर्क, मिल, कनिंघम। तो 53 में भी आप देखेंगे कि आपके चार्ल्स मेटकॉफ होंगे, यानी कि ए ऑप्शन 53 में भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 54, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, 18 राज्य 9 संघीय क्षेत्र, 22 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, 21 राज्य 7 संघीय क्षेत्र। तो याद रखिए 54 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 14 राज्यों और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। आप लोग जिस समय इस क्लास को देख रहे हैं उस समय आपको बताना है कितने आपके राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 55, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और पेवी परसों की समाप्ति कब की गई थी? 1950 में, 1949 में, 1962 में, 1971 में, बताइए। तो याद रखिए 1971 में की गई थी, 55 में आपका डी लगाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 56, किस संगठन ने ब्रोमित नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? सी डैक पुणे, इसरो, TIFR, DRDO, बताइए इसमें से। तो याद रखिए 56 में आपका, 56 में आपका बी होगा, इसरो होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 57, गार्डनर के अनुसार चार चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, लेन देन, सहभागिता, परिवर्तन और सूचना। बी कह रहा है सूचना, परिवर्तन, सहभागिता और लेन देन, और सी कह रहा है लेन देन, सूचना, सहभागिता और परिवर्तन, और डी कह रहा है सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। तो याद रखिए 57 में आप लोग क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन, क्या रहेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 58, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है ग्राफ का, ट्री का, स्टार का, रिंग का। तो ग्राफ का भी किया जा सकता है, ट्री का भी किया जा सकता है, यानी कि एमपीपीएससी ने आप देखिए दोनों ऑप्शंस को सही माना था, ठीक है। 58 में ए बी दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 59, IBP6 प्रोटोकॉल आईपी पति को परिभाषित करता है, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट। तो इसमें आप लोग याद रखिए 128 बिट होगा, यानी कि 59 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बताने की एक विधि है, सोशल नेटवर्किंग, सोशल लक्ष्यीकरण, सहयोगात्मक प्रकाशन, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। तो याद रखिए 60 में आप लोग क्या लगाओगे, डी ऑप्शन, सहयोगात्मक फिल्टरिंग, यानी कि 60 में आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 61, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो याद रखिए 61 में आप लोग बी लगाएंगे, नागालैंड में। एक बात और आपको बता देता हूं, देखिए जनगणना से आपकी आपके दो तीन क्वेश्चन हर परीक्षा में आते रहते हैं,
इसलिए आप लोग जरूर जनगणना को विस्तार से पढ़ लिया करिएगा। और देखिए, अगर आप लोग अपनी परीक्षाओं के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखते हैं तो आप लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो एक सर में आप लोग भी लगा देंगे। 62 है, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? नेफ्ता, जिप्सम, सल्फर, कॉस्टिक सोडा। तो 62 में आप लोग याद रखिए कि आपका कॉस्टिक सोडा नहीं होगा, बाकी तीन होंगे आपके। 62 में डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 63। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तीन तो सम्मिलित होंगे, एक नहीं होगा। वही नहीं चुनना, नहीं वाला आपको चुनना है। पर्वत शिखर हो गए, महाद्वीप हो गए, किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट मेकेले मेकिंगले उत्तरी अमेरिका, एल्ब्रुस एशिया, एक कौन का हुआ? ये आपका दक्षिण अमेरिका में। तो याद रखिए, इसमें आप देखेंगे तो आप सी एल्ब्रुस एशिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी तीनों आपके सही सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 64। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है आप लोगों को। ये आपकी क्या है? आर्थिक क्रिया और कृषि, आर्थिक क्रिया और कृषि देश हो गए, ये देश हो गए। वाणिज्यिक दूध उत्पादन, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, वाणिज्यिक बागाती कृषि, वाणिज्यिक फल उत्पादन। तो वाणिज्यिक दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो डेनमार्क का आपको देखने को मिलेगा। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन की बात करें अगर हम लोग तो अर्जेंटीना। वाणिज्यिक बागाती कृषि ये मलेशिया में। वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस में देखने को मिलेगी। यानी कि 64 की अगर हम लोग बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपको। 64 में क्या लगाओगे? ए ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने 65। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। तो याद रखिए, तमिलनाडु और गुजरात में आपको इसकी संभावनाएं ज्यादा देखने को मिलेगी। 65 में आपका सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 66। बिंदुसार के शासन में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध घोष की समंत पसादिका में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, पतंजलि के महाभाष्य में। तो याद रखिए, 66 में अगर आप देखें तो बौद्ध घोष की समंत पसादिका में, यानी कि 66 में आपको ए ऑप्शन बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 67। चचनामा के अनुसार छठवीं और शताब्दी, सातवीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देवल, अरोड, लोधवा, बाड़मेर। तो याद रखिए, इसमें अरोड होगा। 67 में आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है 68। मुगल कालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगीर किसकी रचना है? साकी मुस्तेद खां, हातिम खां, काजीम सिराजी, खफी खां। तो इसमें याद रखिए, साकी मुस्तेद खान की, यानी कि 68 में आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 69। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपाना का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? वस्त्र में, आभूषण, आवास, जूता। तो याद रखिए, जूता के संदर्भ में मिलता है इसका। 69 में आपका डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 70। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, केशव नंद चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर होगा। देखिए, इसमें कहीं कहीं केशव चंद्र सेन भी मिलता है, लेकिन एमबीबीएससी ने आपको बता दू देवेंद्रनाथ टैगोर माना है, ठीक है। तो 70 में आप लोग ए लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 71। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1930 में, 1934 में, 1945 में, 1947 में। तो याद रखिए, 1945 में किया गया था। 41 में आप लोग क्या लगाएंगे? सी। 71 में सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 72। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी, बीटी कृष्णमाचारी, एस सी मुखर्जी, फैंक एंथोनी। तो याद रखिए, फैंक एंथोनी होंगे, यानी कि 72 में आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 73। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। तो याद रखिए, राष्ट्रपति का आशय,
यानी कि 73 में आप लोग ए ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 74। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियंत्रित का निषेध यानी कि मनाही करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध, युक्तियुक्त निषेध, नैतिक निषेध। तो याद रखिए पूर्ण निषेध है, पूरी तरह से रोक की बात करता है, यानी कि 74 आपका ए ऑप्शन होगा 74 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 75। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक कह रहा है कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, और दूसरा कह रहा है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। बताइए इसमें से कौन सा सही है, सही चुनना है आपको, यानी कि दोनों आपके बिल्कुल सही होंगे, यानी कि आप सी ऑप्शन लगा देंगे। 75 में क्या लगाओगे? सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 76। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? राम विकास गुप्ता, राम नरेश यादव, डॉक्टर बलराम जाखड़, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। बताइए। तो याद रखिए इसमें डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा होंगे, यानी कि 76 में आपका डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन हमारे सामने 77। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्याम चरण शुक्ल। सही उत्तर चुनना है आपको इनमें से नीचे। देखिए दिग्विजय सिंह नहीं रहे, मोतीलाल वोरा नहीं रहे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा रहे हैं, श्याम चरण शुक्ल भी रहे हैं। तो इसमें से आप लोग क्या लगाओगे? ए ऑप्शन, केवल एक और दो सही रहेगा। ठीक है, 77 में ए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 78। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनना है। तो निधन संबंधी उल्लेख, राज्यपाल का अभिभाषण, शपथ या प्रतिज्ञान, मंत्रियों का परिचय। सही उत्तर का चयन करना है, क्रम से आपको बताना है। तो शपथ या प्रतिज्ञान होगा पहले, फिर आप देखेंगे राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर आप देखेंगे मंत्रियों का परिचय, उसके बाद आप देखेंगे निधन संबंधी उल्लेख भी होगा। तो यानी कि बी ऑप्शन आपका 78 में बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 79। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? ए कह रहा है न्यायमूर्ति ए के पटनायक, बी कह रहा है न्यायमूर्ति आर बी रविंदन, सी कह रहा है न्यायमूर्ति एस के झा, न्यायमूर्ति ए के माथुर। तो याद रखिए न्यायमूर्ति एस के झा नहीं रहे हैं, बाकी तीनों रहे हैं। ठीक है, और नहीं पूछा था तो इसमें सी ऑप्शन लगा दोगे। 79 में सी। अगला क्वेश्चन है 80। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए कह रहा है आर्टिकल 243 ना एक, आर्टिकल बी कह रहा है 243 धा एक, दो सी कह रहा है 243 धा एक, और दो डी कह रहा है 243 पा एक। तो 80 में आप लोग ए ऑप्शन लगाएंगे, 243 ना एक में किया गया है। ठीक है, 80 में आप लोग ए ऑप्शन लगाएंगे। चलते हैं 81 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? लगभग 15, 20%, 25% या 30%? तो याद रखिए लगभग 20% के लगभग, बी ऑप्शन 81 में बिल्कुल सही रहेगा। बेतवा नदी निकलती है अरावली पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्यन पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट से? बताइए। तो याद रखिए विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है, कुमारा गांव आप लोगों ने सुना होगा रायसेन मध्य प्रदेश में, यहां से निकलती है, बेतवती के नाम से भी जानते हैं, और ये आगे चल के यमुना नदी में हमीरपुर के पास उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई आप देखेंगे 480 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए 82 में आप लोगों ने लगा दिया सी ऑप्शन। 83, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी? तो याद रखिए उत्तरी में, 83 में आपका सी। 84 क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर? तो याद रखिए दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि 84 में से भी आपका सी होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 85। आध्यात्मिक खनिज है संगमरमर, मैग्नीज, चांदी, सीसा। तो याद रखिए संगमरमर होगा। 85 में ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 86। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, 8, 12, 25, 31। तो याद रखिए 12। 86 में बी लगाओगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 87। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पैरामिड होता है हमेशा सीधा, शायद सीधा उल्टा, हमेशा उल्टा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए हमेशा सीधा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 87 में ए लगा देना। 88 में भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है, रंग बढ़ाने में, स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में, पायसीकरण में। तो याद रखिए इसका उपयोग आप लोग स्वाद बढ़ाने में भी करते हैं और इसे सुरक्षित रखने में भी किया जाता है, यानी कि MPPSC ने बी को भी सही माना है, सी को भी सही माना है, ठीक है। 88 में चलते हैं 89 की तरफ। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2006 में, 2003 में, 2005 में, 2009 में। तो आप देखिए कि इसमें 2005 में बनाया गया था। 89 में आप लोग सी लगाओगे। 90 क्वेश्चंस की बात करें तो इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है, MERS, MERS, SARS, COVID-19, उपयुक्त में से सभी। 90 में डी लगाओगे आप लोग, तीनों संबंधित है। और आप देखिए कि इसमें से कई लोग कंफ्यूजन भी हुई होगी, गलत भी कर बैठे होंगे, तो 90 में डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 91। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है, पूर्णशा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB पेन ड्राइव। तो याद रखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, 91 में आपका सी। क्वेश्चन है हमारे सामने 92। XML का पूरा नाम क्या है, एग्जाम्पल मार्कअप लैंग्वेज, या फिर आप बी कह रहा है XHTML मार्कअप लैंग्वेज, एक्स मार्कअप लैंग्वेज, एक्स्ट्रा मॉडल लिंक। तो याद रखिए 92 में क्या लगाओगे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि आपका 92 में बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 92 में बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 93। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है 300 मेगा किलोहर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज। तो याद रखिए 93 में आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक, 93 में क्या लगाओगे, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 94। बिलोफिस एक प्रकार का है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिथम, असममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। तो 94 में क्या लगाओगे, ए ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, यानी कि 94 में आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन हमारे सामने 95। रोबोटिक्स के संदर्भ में उमा क्या है, प्रोग्रामेबल यूज्ड मशीन टू असेंबल, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, और डी कह रहा है प्रोग्राम यूटिलिटी मशीन टू असेंबल। तो 95 में सी रहेगा, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, यानी कि 95 में आप लोग सी ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 96। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, मंडला, बालाघाट, धार, इंदौर में। तो याद रखिए बालाघाट में, 96 में आप लोग बी लगाएंगे। लिंगानुपात कहने का मतलब होता है कि पुरुषों की संख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 97। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है 28.12, 04.85, 39.85, या फिर आपका 34.14। तो याद रखिए 34.14 होगा, 97 में आपका डी। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, लोहा, अभ्रक, हीरा, तांबा।
हीरा की बात हो रही है, हीरे की खाने पन्ना काफी प्रसिद्ध है, तो 98 में आपका सी होगा। क्वेश्चन हमारे सामने 99, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित? छिंदवाड़ा, इंदौर, भोपाल, रतलाम। तो भोपाल में है, आप सभी लोग देखने भी गए होंगे, इंदिरा मानव संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 100 क्वेश्चंस कह रहा है, अंतिम क्वेश्चंस आकांक्षा योजना संबंधित है। अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से, अनुसूचित जनजाति छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देने से। सही कह रहा है, अनुसूचित जनजाति छात्रों में उद्यमिता बढ़ाने हेतु उपयुक्त, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखे, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से संबंधित है आकांक्षा योजना। यानी कि 100 भी क्वेश्चंस में आप लोग ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो ये रहा आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का पहला क्वेश्चंस पेपर, और आप सभी जानते हैं कि इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। जो सी सेट रहता है वो क्वालिफाई करना होता है केवल, ठीक है, और आप लोग आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे।